हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 49 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 49 वीडियो में एक्सरसाइज 19.13 पे है और क्वेश्चन नंबर है 9। इसका हमें समाकल निकालना है। चलिए देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से निकालना है। लेट x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ देख रहे हैं ना, ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ किस तरह से लेंगे, ए एक्स प्लस बी, इस तरह से, यहाँ दो कॉन्स्टेंट रहेंगे, और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, नीचे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए देखते हैं, एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में, इधर एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से भाग करेंगे, यह जाकर ऊपर इंटू करेगा, ए एक्स प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस, इसमें से भाग करेंगे, यह जाकर ऊपर इंटू करेगा, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यह आपका कट जाएगा, यानी एक्स बराबर यहाँ से हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ हमें ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। तो जैसे मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको बताया था, उस तरह से इसमें करने पे ना पुट करके वैल्यू निकालने में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लूँ, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो पहले इसमें सिंप्लीफाई करते, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस में ए बी स्क्वायर एक्स प्लस में बी एक्स स्क्वायर और प्लस बी बी स्क्वायर। इसमें अब इंटू करते हैं, सी एक्स क्यूब प्लस में सी ए स्क्वायर एक्स प्लस में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी ए स्क्वायर, यही ना होगा आपका। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, तो लिखेंगे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर के गुणांकों में तुलना करने पर, ठीक है। मतलब कि यहां देखो एक्स क्यूब यहां है, एक्स क्यूब यहां है, तो यहां ए प्लस सी बराबर में, इधर क्या है, एक्स क्यूब तो है ही नहीं, तो बराबर में जीरो, पहला समीकरण। फिर आप देखो एक्स स्क्वायर वाले को ले लें या एक्स वाले को भी ले सकते हैं। यहां देखो ये है ए बी स्क्वायर प्लस में एक्स वाला कौन है, यहाँ रहा सी ए स्क्वायर बराबर में, देखो यहाँ एक्स वाला इधर है, यह तो इसके साथ वन है, यह समीकरण दो हुआ। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला यहाँ है, तो बी प्लस डी बराबर में जीरो, इधर एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म ही नहीं है, समीकरण तीन। अच्छा, और फिर यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट यहाँ पे ये है, और इधर कॉन्स्टेंट जीरो है, कुछ नहीं है, तो बी बी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर में जीरो, ठीक है, यह समीकरण चार हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से, एक और दो से, इन दोनों से तुलना करेंगे। और समीकरण एक में ना मैं यहाँ पे इंटू कर देता हूँ, इसी पे लिख दूं क्या, यहाँ इंटू कर देता हूँ ए स्क्वायर से, तो और मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो क्या आ जाएगा आपका ए ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर बराबर में जीरो, ए स्क्वायर से इसमें गुणा कर दिया, और यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर वन। इसको लिख लिया इसी तरह से, साइन बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर में माइनस वन। यहाँ से ए कॉमन कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस, इसको दे जाएंगे भाग में, तो ए बराबर में आ जाएगा माइनस वन बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, अब लिखेंगे ए का मान, ए का मान समीकरण एक में रख दें, एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, चलिए समीकरण एक क्या है, ए प्लस सी बराबर में जीरो, ए का मान इसमें रख देते हैं माइनस का वन बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो, यहाँ से सी का वैल्यू आ जाएगा वन बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए का यह आ गया।
अब समीकरण तीन और चार से बी और डी का निकालते हैं। समीकरण तीन तथा चार से, समीकरण तीन तथा चार से, देखो समीकरण तीन और चार से समझिए। यहाँ पे समीकरण तीन में मैं ए स्क्वायर से गुणा कर देता हूँ ताकि यहाँ डी वाला कट सके, समझ गए ना। तो हो जाएगा यहाँ पे बी ए स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर जीरो। देख लो बी ए स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर जीरो, और ये ऐसे आ जाएगा बी बी ए स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर जीरो। क्या है डी, क्या था जी, बी ए बी बी स्क्वायर, बी बी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर में जीरो। देख लो बी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी ए स्क्वायर बराबर में जीरो। साइन बदलो या कट जाएगा। यहाँ से देखो बी ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर बराबर जीरो, यहाँ से कैपिटल बी कॉमन कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में जीरो। ये चल जाएगा भाग में, जीरो में भाग करेगा तो जीरो, तो बी का वैल्यू क्या गया जीरो। तो बी का मान जीरो हुआ, तो बी का मान, बी का मान समीकरण, समीकरण किस में रख दिया जाए, तो समीकरण आपका है तीन में रख दिया जाए, तीन में रखने पर, तीन में रखने पर, समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन है बी प्लस डी बराबर जीरो, बी प्लस डी बराबर जीरो। तो बी के जगह पे अगर आप जीरो रख देते हो तो डी का भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। चलिए अब देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, यही ना निकालना है जी, इसी को हमें निकालना था। देखो शुरू में क्वेश्चन यही ना दिया है, हम लोग इसके बराबर में यह वाला टर्म लिख देंगे, ये लिखेंगे ना जी। चलिए लिखते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, समझ गए। ए और बी का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो बी तो कॉन्स्टेंट है जीरो, और ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, ए कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकाले हैं यहाँ पर कितना है, माइनस का वन बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का, तो उसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ, या फिर वैल्यू लिख दो माइनस का वन बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और कॉन्स्टेंट बी जो है जीरो हो जाएगा, बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और प्लस इसी तरह से सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू है वन बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, और डी का वैल्यू है जीरो, और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। चलिए यहाँ से हम लोग इस कॉन्स्टेंट को बाहर निकालते हैं, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का वन बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, एक्स बच्चे का ऊपर एक्स डी एक्स, और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ भी वन बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, एक काम करते हैं यहाँ दो से भाग कर देते हैं और दो से यहाँ पर गुणा कर देते हैं। क्यों ऐसा किया, कि ताकि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर यह दिखे, इसी तरह यहाँ भी दो से भाग किए, ठीक है, और ऊपर यहाँ पर दो से गुणा कर दिए, समझ गए ना, दो से गुणा कर दिए हैं हम लोग, और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए नीचे वाले फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यह ऊपर वाला आ जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस टू बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, इसका क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन बाई टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो इसका हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में सी। तो इन दोनों में से ये कॉमन है, कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन होगा वन बाई टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह कॉमन हो जाएगा। तो देखो ये कॉमन लेते ही आपका यह वाला बचेगा, पहले इसको लिख देते हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस में सी, माइनस में तो भाग में चला जाएगा ना जी, तो हो जाएगा यहाँ पे वन बाई टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर इसका क्या आ जाएगा लॉग, डिवाइड में चल जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब समझ गए ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का एक नंबर। देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर भी साइन एक्स से इंटू कर देता हूँ
और नीचे भी एक साइन एक्स इंटू करूँगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और फिर इंटू में 3 + 2 cos x dx। अच्छा अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में बदलूँ तो हो जाएगा ऊपर आपका साइन एक्स ही रहेगा इस तरह से, और नीचे हो जाएगा 1 - cos² x इंटू में 3 + 2 cos x। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स बटा में देखो यहाँ कुछ है तो 1 का स्क्वायर दे सकते हैं, तो एक बार माइनस में अगर प्लस में चल जाएगा, यानी कि 1 + cos x इंटू में 1 - cos x, अच्छा है 1 - cos x, ठीक है 1 - cos x इंटू में 1 + cos x, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग गया 3 + 2 cos x। अब देखिए यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग cos x के जगह पर टी, पहले cos x की जगह टी पुट करते हैं, पुट cos x बराबर टी, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो cos का माइनस साइन हो जाएगा बराबर में dt बटा dx, यानी कि यहाँ से साइन x dx बराबर में हो जाएगा माइनस का dt। चलिए तो ऊपर आ जाएगा माइनस dt और बटा में 1 - t 1 + t इंटू में 3 + 2 t, समझ गए, माइनस बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटा में 1 - t 1 + t और इंटू में 3 + 2 t, यही ना होगा। चलिए अब इसका बनाते हैं हम लोग लेकर, तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे लेट लेट 1 - t इंटू में 1 + t इंटू में 3 + 2 t बराबर में a/1 - t + b/1 + t + c/3 + 2 t। यहाँ पे देखिए 1 बटा, आप चाहो तो ये माइनस ले भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ ही ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इंटीग्रेशन कर जाना होगा, माइनस ले सकते हैं, नहीं भी लोगे तो बाद में हम लोग माइनस लगा सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी लगा सकते थे और बाद में भी लगा सकते, चलो यहाँ पे हमने माइनस ले ही लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे है आपका 1 - t इंटू में 1 + t इंटू में 3 + 2 t बराबर में, यहाँ एलसीएम लेते हैं 1 - t इंटू 1 + t इंटू 3 + 2 t, इसमें से भाग करेंगे, यह दोनों जाके गुना करेगा a में, a इंटू 1 + t इंटू में 3 + 2 t प्लस बी इंटू, इसमें से भाग कटेगा, ये दोनों जाकर ऊपर गुना करेगा 1 - t इंटू में 3 + 2 t और प्लस सी, इसमें भाग करेंगे यह कटेगा, यह दोनों जाके ऊपर गुना करेगा 1 - t इंटू में 1 + t, यह पूरा नीचे से नीचे यहाँ कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -1 बराबर में, यहाँ पे देखो क्या है a इंटू 1 + t इंटू में 3 + 2 t प्लस बी इंटू 1 - t इंटू में 3 + 2 t और सी इंटू 1 - t और इंटू में 1 + t। अब चलिए पुट करके यहाँ पे निकालते हैं, पहले a का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो a का वैल्यू निकालने के लिए अगर हम लोग यहाँ पर, अरे क्या है जी, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर t के जगह 1 ले लें, t बराबर 1 पर, वन पर ये रखेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, देखो 1 - 1 = 0 1 - 1 = ये 0 ये भी 0, यही ना बचेगा, तो देखो 1 रखने पे 1 + 1 = 2 2a हो जाएगा और यहाँ 1 रखने पे 5 हो जाएगा, तो 5 × 2 = 10 10a बराबर में -1, यानी कि a बराबर -1/10 आ जाएगा, a बराबर क्या आएगा -1/10, है ना। चलिए b का निकालना है, तो b निकालने के लिए एक काम करते हैं -1 रखते हैं टी बराबर -1 पर। ठीक है, अगर मैं -1 लेके चलूंगा तो यह भी 0 हो जाएगा और -1 लेके चलूंगा तो यह भी 0 हो जाएगा, यहाँ आएंगे -1 रखना है तो यहाँ -1 रखेंगे -1 + 2 हो जाएगा और -1 रखेंगे 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2b बराबर में हो जाएगा -1, यानी b बराबर -1/2 आ जाएगा, समझ गए ना। चलिए अब बात करते हैं सी के लिए, तो टी बराबर कितना रखेंगे, यहाँ पे हमें क्या लाना है, सी का वैल्यू निकालना है, तो -2 3/2 लेते हैं, 3/2 माइनस का 3/2 -3/2 पर, -3/2 अगर मैं यहाँ रख लूँ तो 2 से 2 कटेगा -3 + 3 0,
यहाँ भी रखूंगा तो वही, तो सारे जीरो हो जाएंगे, बचेगा ही ना। देखो क्या होगा, यहाँ पे माइनस थ्री बाई टू रखेंगे और माइनस ये थ्री बाई टू यहाँ रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, और एक में तीन बट्टा दो जोड़ जाएगा तो पाँच बट्टा दो हो जाएगा, पाँच बट्टा दो। और यहाँ पर रखेंगे माइनस तीन बाई दो तो एक में जुड़ेगा तो आपका आ जाएगा माइनस का वन बाई टू, तो ये माइनस वन बाई टू और इंटू में फाइव बाई टू सी बराबर में क्या हो जाएगा आपका माइनस का वन, है ना। तो यानी कि आ जाएगा यहाँ से माइनस माइनस काट देंगे और ये दो दूना चार, चार बट्टा पाँच आ जाएगा, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा चार बट्टा में पाँच हो जाएगा, समझ गए। चलिए ए बी सी आ गया, हमें तो इसका इंटीग्रेशन निकालना था ना, चलिए उसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। माइनस जी टी या माइनस वन ऊपर भी लिख सकते हैं, वन माइनस टी इंटू में वन प्लस टी इंटू में थ्री प्लस टू टी, थ्री प्लस टू टी यही ना दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ ए बटा वन माइनस टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी बटा वन प्लस टी डी टी प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ सी बटा में थ्री प्लस टू टी। ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ए का वैल्यू माइनस वन बाई टेन है, यहाँ रखेंगे माइनस वन बाई टेन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटा वन माइनस टी प्लस बी का वैल्यू आपका माइनस का वन बाई टू है, तो माइनस का वन बाई टू यही माइनस रहने देते हैं सीधे, तो प्लस में था ना तो माइनस वन बाई टू रख देते हैं और हो जाएगा डी टी बटा में वन प्लस टू। और सी का वैल्यू फोर बाई फाइव है तो हो जाएगा फोर बाई फाइव डी टी बटा में थ्री प्लस टू टी, यहाँ डी टी लगाना होगा। चलिए आप अगले स्टेप में देखते हैं। अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस वन होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो माइनस वन बाई टेन, माइनस वन से माइनस से यहाँ गुना कर दो, माइनस वन से तो माइनस वन से यहाँ गुना किए तो यहाँ भाग में भी माइनस वन देना होगा, समझ गए ना बात को। तो माइनस माइनस प्लस कर दें, या अगले स्टेप में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ ना लिख के हम लोग अगले स्टेप में यहाँ लिख सकते हैं, माइनस वन से भाग और माइनस वन से गुना कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन वन होता है तो ऊपर देने की जरूरत कुछ नहीं है। यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन टू होता है तो टू से भाग, टू से गुना करना होगा तो चार बट्टा पाँच गुना दो और इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ टू डी टी बटा में थ्री प्लस टू टी, समझ गया। तो ये देखो माइनस में हट जाएगा, वन बाई टेन इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो जा रहा है, लॉग वन माइनस टी माइनस वन बाई टू लॉग वन प्लस टी, और यहाँ देखो इसको इससे काट सकते हैं दो बार में, प्लस दो बटा पाँच लॉग थ्री प्लस टू टी प्लस सी। अब वापस टी का वैल्यू रख देते हैं, टी का वैल्यू आपका कॉस एक्स था तो कॉस एक्स रख देते हैं, वन बाई टेन लॉग वन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस वन बाई टू लॉग वन प्लस कॉस एक्स प्लस टू बाई फाइव लॉग थ्री प्लस टू कॉस एक्स प्लस में सी, इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। अगला इसका दस नंबर देखेंगे, पहले तो इसका फैक्टर कर देता हूँ मैं, दिया ना टू ई टू द पावर टू एक्स प्लस में थ्री ई टू द पावर एक्स प्लस वन, मैं इसे टू ई टू द पावर टू एक्स प्लस में टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स ऐसे लिख सकता हूँ ना, इन दोनों में कॉमन है टू टू ई टू द पावर एक्स, तो यहाँ बच जाएगा आपका ई टू द पावर एक्स और यहाँ बच जाएगा वन, प्लस वन कॉमन किए ई टू द पावर एक्स प्लस वन, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया e टू द पावर x प्लस वन और इंटू में टू ई टू द पावर x प्लस वन, यही ना हो जाएगा आपका। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या हमें देकर ऐसे भी लिख सकते हो इसे, वन प्लस ई टू द पावर x इंटू में वन प्लस टू ई टू द पावर x, ई टू द पावर x है ना जी, टू ई टू द पावर x, टू ई टू द पावर x, समझ गया ना। इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, चलिए तो आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा में, इसके जगह पर यह लिख सकते हैं ना वन प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू में वन प्लस टू ई टू द पावर एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, ई टू द पावर एक्स से ऊपर गुना कर देते हैं और नीचे भी गुना कर देते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर नीचे e टू द पावर x से हम लोग गुना कर दिए, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं e टू द पावर x को t, पुट e टू द पावर x बराबर में t, डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x ही होगा बराबर में dt बटा में dx, यानी कि e टू द पावर x dx बराबर में dt,
चलिए देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी, और नीचे आपका हो जाएगा टी इंटू में वन प्लस टी इंटू में वन प्लस टू टी, यही ना हो जाएगा। आप क्या करेंगे, लेट वन बाई टी इंटू वन प्लस टी इंटू वन प्लस टू टी बराबर में ए बट्टा टी प्लस बी बट्टा वन प्लस टी प्लस सी बट्टा वन प्लस टू टी, यही ना है आपका। चलिए उधर एलसीएम लेते हैं, वन बट्टा टी इंटू वन प्लस टी इंटू वन प्लस टू टी बराबर में इधर एलसीएम लेते हैं, टी इंटू वन प्लस टी इंटू वन प्लस टू टी, इसमें बात करेंगे या दोनों जाकर ऊपर गुना करेगा, ए इंटू वन प्लस टी इंटू में वन प्लस टू टी प्लस बी इंटू इसमें भाग करेंगे या दोनों जाकर ऊपर गुना करेगा, टी इंटू वन प्लस टू टी प्लस सी इंटू टी इंटू में वन प्लस टी, यही ना हो जाएगा। इससे यह कट जाएगा, वन बराबर में आ जाएगा ए इंटू वन प्लस टी इंटू में वन प्लस टू टी प्लस बी टी इंटू वन प्लस टू टी प्लस सी टी इंटू वन प्लस टी, यही ना। आप पुट करते हैं, पुट टी बराबर में जीरो, टी बराबर जीरो रखते हैं, यह भी जीरो हो जाएगा, जीरो रखते हैं, यहाँ आपका आ जाएगा वन और यहाँ भी आपका यह जीरो हो जाएगा, वन बचेगा तो वन इंटू वन वन, ए बराबर में आ जाएगा वन, ए बराबर में वन आ जाएगा। अच्छा टी बराबर अगला रखते हैं हम लोग यहाँ पर माइनस वन पर, टी बराबर माइनस वन रखेंगे तो यह जीरो, माइनस वन रखेंगे तो यह जीरो, बच गया यह ना। चलो तो माइनस बी, यहाँ माइनस वन रखेंगे तो माइनस बी हो जाएगा और अंदर हो जाएगा माइनस वन, तो प्लस का बी हो जाएगा और प्लस का बी बराबर में वन हो जाएगा, समझ गए। अब आपका सी क्या बच गया, तो सी के लिए देखो सी निकालना है ना जी, तो टी के जगह हम लोग रख देते हैं माइनस का वन बाई टू, देखो यहाँ टू माइनस वन बाई टू रखेंगे, टू से टू कट जाएगा, माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यह भी वही हल होगा, बच जाएगा यह माइनस वन बाई टू रखना है, तो यहाँ माइनस वन बाई टू और यहाँ पर यहाँ माइनस वन बाई टू रखेंगे तो वन में से माइनस वन वन बाई टू घट गया तो आपका वन बाई टू और इंटू में माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई फोर, यानी कि सी का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस का फोर, ठीक है। चलिए ए बी सी निकल गया, हमें इसी का ना इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा में टी इंटू वन प्लस टी इंटू में वन प्लस टू टी बराबर में, इसका इंटीग्रेशन निकालना है बराबर में ए बटा में एक्स, ए बटा में टी है ना जी, ए बटा में टी डी टी प्लस बी बटा में वन प्लस टी डी टी और प्लस सी बटा में वन प्लस टू टी डी टी। चलिए अब ए बी सी का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, ए का वैल्यू वन बी का वैल्यू वन, तो यहाँ पे वन बाई टी हो जाएगा, ठीक है वन बाई टी हो जाएगा, वन बाई टी डी टी, और b का वैल्यू, b का भी वैल्यू हमारे पास वन ही है तो b का वैल्यू वन, तो वन बाई वन प्लस टी डी टी, और c का वैल्यू, तो c का वैल्यू माइनस फोर है तो माइनस फोर यहाँ हो जाएगा आपका। अच्छा क्या आ जाएगा, डी टी बटा में वन प्लस टू टी हो जाएगा ना, समझ गए। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका हो जाएगा log t log वन प्लस टी माइनस टू, देखो दो को अंदर भेज देते हैं, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन टू होगा, टू लॉग वन प्लस टू टी प्लस में सी, टी क्या वैल्यू, तो ई टू द पावर एक्स है, लॉग ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग वन प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस टू लॉग वन प्लस टू टी है ना, तो टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी, यही ना हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसमें एक और काम कर सकते हैं, यहाँ देखो लॉगरिथम एक्सपोनेंट का उल्टा, तो ये सट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, तो x प्लस लॉग वन प्लस ई टू द पावर x माइनस टू लॉग वन टू लॉग क्या है जी यहाँ पे वन प्लस टू ई टू द पावर x प्लस में सी, इसका आंसर आ गया, समझ गए ना। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे इन करना पड़ेगा, बहुत ही लंबे लंबे क्वेश्चन है, इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का आपको सबसे मिलेगा। आपको तीन चैनल सब्सक्राइब करना है, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन
रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का आपको लिंक मिल जाएगा। और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.रविकांतसर.in पर जाएंगे, रविकांतसर.in पर जाएंगे और वहां से सभी क्लासेस के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। समझ गए।